तो राधे राधे मित्रों, हम अभी पहुंच चुके हैं सुपन आर्का प्रेम मंदिर में। और जो है कालिया नाग को मारा था वो लीला दिखाई जा रही है। इधर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर बैठ कर नृत्य कर रहे हैं। राधे राधे मित्रों, शाम का समय हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ। होटल से हमने अभी बाहर आ चुके हैं एक रोड के लिए, तो अभी चलते हैं प्रेम मंदिर की तरफ और मंदिर भी घूमने जाएंगे। बट उससे पहले हम पूछ देख लेते हैं कि उनकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि 6 बज चुके हैं शाम के और अंधेरा हो चुका है। हमारे साथ अभी मंदिर मंजीत रावत जी, बाकी दोस्त लोग हमारे पीछे से आ रहे हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो चुकी है हमें। क्या क्या बोलना है? बोलना क्या है, लग रहा है लेट हो गई। चलो बाकी राधे राधे। हम जा रहे हैं इस्कॉन की तरफ और इधर सायंकाल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग ऐसे चल रहे हैं। देखते हैं दर्शन हो पाते नहीं हो पाते, बट चल रहे हैं। अभी ये प्रेम मंदिर का चौक है और इस्कॉन के बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर, क्योंकि समय बहुत कम बचा हमारे पास, केवल 8:30-9 बजे तक का टाइम, उसके बाद बंद हो जाएगा सब कुछ। तो बाकी मंदिर हम कल सुबह कवर करेंगे, फिलहाल अभी इस्कॉन और प्रेम मंदिर कवर करते हैं। उनके बाहर आके ये फाइनली हम एंटर करने वाले हैं इस्कॉन टेंपल में। ये है इस्कॉन टेंपल, बाकी हमारे फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं। हम धीरे धीरे एंटर करते हैं इधर। बोलो हरी बोल। तो दोस्तों ये है वो स्थान जहाँ की नृत्य होता है श्री कृष्ण के नाम पर, फिर राधा रानी के नाम पर, और वहाँ पर आरती चल रही है। गाइस ये है पूरा इस्कॉन मंदिर। ये देखो भक्त लोगों की भीड़ कैसे जा रही है। हाँ यहाँ पे तुम्हें खाने के लिए फूड वगैरह भी मिल जाएंगे। और सच में रियली यहाँ पे इतना सुकून है कि
कुछ खा नहीं जा सकता, मतलब बाहर भोजन होते थे कि हरी बोल केवल हरी बोल हरी बोल, और मेरे कितने खतरनाक दोनों निकल गए थे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता गाइस कितनी खुशी हो रही है आगे, मन को कितनी शांति मिलती है, भले कई परेशानी आए बट हम फाइनली पहुँच चुके हैं इधर। अब उसके बाद हम चलेंगे सीधा प्रेम मंदिर की तरफ, कुछ हिस्ट्री हिस्ट्री बता रखी है, बस कृष्ण भक्ति में रम जाओ और सब कुछ चेंज हो जाएगा, वहाँ तक पूरा पूरी जिंदगी बताई है गाइस। अभी हम यहाँ पे हैं शायद, अभी हम शायद इस एज में हैं, ये वाले में इस एज पे जाएंगे, फिर उस एज पे फिर उस एज वहाँ मर जाएंगे या लास्ट में, और ये बचेगा। तो गाइस ये सारी स्कॉन्स की दुकान है, अगर तुम्हें कुछ खा सकते हो तो तुम ले सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल प्योर प्योर वेज। अब हम निकल चुके हैं प्रेम मंदिर की तरफ, 8 बज चुके हैं और आई होप कि एंट्री बंद ना हो, क्योंकि 8:30 की लास्ट एंट्री है, उसके बाद 9 बजे समथिंग को बंद हो जाता है। बाकी चल रहे हम फटाफट से, तो अब धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लगी, क्योंकि ये समय होता है मंदिरों को बंद होने का, तो कोशिश करना कि 7 बजे से पहले पहले तुम सारी जगह से होके आ जाओ। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर के बाहर, और अब दिखाते हैं तुम्हें लाइव शो करवाते हैं प्रेम मंदिर के, तो हरी बोल, सब एक बार हरी बोल कर कमेंट करेंगे, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, कीट पतंगों से सावधान रहें। ये देखिए अद्भुत नज़ारा यहाँ का, द टेम्पल ऑफ लव, राधे राधे। भटजी पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर में, तो कैसी अनुभूति हुई, प्रथम टाइम आपका, प्रथम बार यहाँ आए? उत्तम अनुभूति, उत्तम सर्वोत्तम सर्वोत्तम। देखो हमारे भाग में लिखा था ना, फिर आ गए हम, और ये देखिए जरा, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, बस इनको भी मन प्रसन्न हो चुका है। पहले भी बताया है आपको मैंने एक बार शायद वीडियो में, होली वाले वीडियो में, कि यहाँ जो है कालिया नाग को मारा था वो लीला दिखाई जा रही है, और साथ में जो कालिया नाग की धर्मपत्नियाँ थी वो प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण की, छोड़ दीजिए। गाइस ये है मंदिर का बैक साइड, और यहाँ देखिए जरा, हर मिनट हर क्षण यहाँ पे लाइट बदल रही है, और उतना ही सुंदर नज़ारा जितना कि भगवान श्री कृष्ण का रूप और उनकी माया है। और हमारे दोस्त लोग पता नहीं कहाँ घूम गए, उनको बुलाया मैंने कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि बाद में मंदिर का बंद होने का समय आ जाता है। बाकी हम चलते हैं फिलहाल मंदिर के प्रांगण में बैठेंगे, हो सके तो अंदर का दर्शन कराऊंगे तुम, अगर वहाँ फोन अलाउड होगा तो। श्री कृष्ण रासलीला अपनी गोपियों के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ, ये देखिए आप ही आनंद लीजिए इस मनमोहक दृश्य का। हमारे मित्रगण मिल चुके हैं, कहाँ रह गए थे, वो फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं, यहाँ कृष्ण की लीला में रम जाओ। हमें तो राधा प्यारी मिल गई थी, तो मैं राधा प्यारी से मैं दूर चले गया, क्योंकि मेरे साथ में साथ ही नहीं था। बाकी ये तो कौन सामने आ चुके हैं प्रेम मंदिर के, फाइनली अच्छे से दर्शन हो गए हैं युवल छवि के।
हमारी प्यारी राधा रानी और श्री कृष्ण को भीड़ देखिए जरा, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। बाकी अब बाहर प्रांगण की तरफ चलते हैं और बहुत कुछ है देखने के लिए गाइस, इतना भीड़ में एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते बट जितना हो सके हम उतना देखेंगे क्योंकि फ़ोटो लेना मना है, फिर भी ले रहे हैं लोग तो हम भी ले रहे हैं। जय सीता की जय, माता सीता और राम जी के दर्शन करने के लिए। तो ये जो वॉल है गाइज, ये सारे हमारे भारत के जो भी जगत गुरु हैं जिन्होंने ज्ञान दिया इस संसार को, इस भारतवर्ष को और सनातन धर्म को बजाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ये हैं हमारे जगत गुरु जिन्होंने कि जगत को ज्ञान दिया, उनके दर्शन कर लीजिए आप। और हम चलेंगे अब युगल विग्रह की तरह दर्शन करने के लिए। देखिए अंकल आंटी की पोज, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आय की तरफ चलते हैं, ये लौंडे पस्त हो चुके हैं। गर्भगृह के दर्शन कराऊंगा तुम्हें, दर्शन तो हो नहीं पाएंगे बट फिर भी। बाकी इधर बहुत ज़्यादा भीड़ गाइस, ये देखिए जरा, एकदम रियलिस्टिक लग रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी जीवित होंगे। महाराज अभी हम विराज गए हैं मंदिर के प्रांगण में और मंदिर बंद होने का समय हो चुका है, इसलिए वहाँ से एंट्री देखो बंद हो चुकी है। सारे लोगों को वहाँ से गार्ड धीरे धीरे करके अब इस तरफ को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब काल कोठड़ी से नंद बाबा जो कान्हा को लेके गए थे, देखिए जरा जब लल्ला के पीछे मैया लल्ला की घूमती है, जब माखन चोर लेते हैं तो उनकी लीला दिखाई जा रही है। देखिए ये हमारे प्यारा कान्हा दौड़ रहे हैं आगे से, अब पीछे से मैया देखिए, मैया और गोपियाँ। तो ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे माखन चोर की लीला। मंजीत भाई बताएंगे कैसा लगा वृंदावन आके। ये है ना कि भगवान देख अपने भक्ति कितनी परीक्षा लेते हैं, इतनी भाई मतलब बोल नहीं सकते हम, तन से मन से धन से सारी तरह से उन्होंने हमारी परीक्षाएं दी। वो है कि हाँ मन था आना था, कई प्लान कैंसिल हुए, प्लान यहाँ का नहीं था, कहीं और का प्लान था वो कैंसिल हुआ, यहाँ आए, यहाँ का प्लान दो बार कैंसिल हुआ। यहाँ का प्लान यहाँ आते में कितनी कठिनाइयाँ हुई, ट्रेन जनरल के डब्बे में आए ना, नींद पूरी, फिर खाना नहीं खाया, आना यही था, मैं आना यही था। तो मैं कम से कम तो दो दिन वो देख लिया, परीक्षा ले रहे थे। तो खाना खाने का समय हो चुका है गाइज और हम पहुँच चुके हैं, क्या नाम है इसका, ब्रिजवासी चोटी वाले की फैमिली वाले गाने में। और हमारे साथ है हमारे मंजीत जी, ठीक है हम भोजन ग्रहण करेंगे। और अगले मित्र यहाँ स्नैपचैट की दुनिया में लगे हुए हैं। मित्र वही जो व्यसन मार्ग पर नहीं भागवत मार्ग पर ले जाए, राधे राधे। और कल परसों 28 तारीख उनकी पार्टी होने वाली है राधे। यहाँ पर हमारा भोजन आ चुका है, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं, हम बस थोड़ा नॉर्मल सा खाना खा रहे हैं। भोजन की थालियाँ सज चुकी हैं और अब राधा रानी का नाम लेके हम भोजन ग्रहण करते हैं। बोलो राधे राधे महाराज, राधे 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 राधे। चल अब खाना खा के रहो।
रोटियां खाएं। तो मित्रों अभी हम आ चुके हैं अपने होटल की तरफ और बस अब जाके विश्राम करेंगे। आज के लिए इतना ही था। आज हमने अभी शाम को प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल में गए थे। कल सुबह हम कोशिश करेंगे हम प्रातः काल में जल्दी हम प्रस्थान करें अपने राधा वल्लभ जी इनकी साइड को, क्योंकि सुनने में आता है कि मंदिर जल्दी खुल जाते हैं। बाकी पता करते हैं फ़ोन करके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे की सीरीज़ भी बहुत अच्छी आने वाली है राधा रानी की कृपा से। आगे चलते हैं माँ की तरफ। राधे राधे। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। यस, अंग्रेज का बच्चा आ गया।